जीएसटी आने के बाद मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है। बाजार में जो जीएसटी को लेके आसामी छोटे छोटे दुकानदारों को आसाम मतलब एक्चुअली उनको आइडिया नहीं है जीएसटी का, इसलिए वो थोड़ा लेने में सचकुच आ रहे हैं जीएसटी में। जीएसटी में मतलब इसका मार्केट घटा है। फैंसी जो का मार्केट है उसमें क्या है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी वापस मतलब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, बड़े लोग भी मनाते हैं, इसलिए थोड़ी गिराकी की हलचल है। बाकी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार गिराकी की हलचल कम है। दिए में जो है सभी तरह के चलते हैं, जैसे मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के दिए में अलग अलग शेपों में दिए हैं, अपने फ्लोटिंग दीपक है जो पानी में तैरने वाले हैं, जेल के दिए हैं जो दिखने में काफ़ी आकर्षक अच्छे सुंदर दिखते हैं, वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। और ग्राहकी जो है सामान्य है, नहीं ग्राहकी उठने का तो अब क्या, दिवाली तो अब गुरुवार की है, थोड़ी तो हलचल रहेगी सही। और जीएसटी के कारण बाजार में प्रभाव पड़ा काफ़ी प्रभाव। सरकार को सबसे पहले चाहिए था जीएसटी का सबको जगह विश्वास में जगह जीएसटी लागू करे और एक समान करे, इससे क्या कि व्यापार करने में सबको सुविधा हो। जीएसटी के बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी है कि कुछ जब जीएसटी लगने वाला था तब लोगों के दिलो दिमाग में ये रहा कि जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसके बाद में जीएसटी जब लगने वाला था उसके पहले ही लोगों ने ऐसा लगा कि जैसे दीपावली हो, उस वक्त भी बहुत मार्केट एकदम बूम पे था, उस वजह से थोड़ा सा अभी हाल जो टाइम आया है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो लगभग पिछले साल की तुलना में अगर अपन पुष्य नक्षत्र की बात करें तो 50% मार्केट रहा इस बार। उत्साह तो है लोगों में और उसकी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे अब जैसे 4-5 दिन का हर साल एक ऐसा पीरियड होता है कि 4-5 दिन खूब व्यापार होता है जितना हो सकता है, और कंपेरेटिवली पिछले धनतेरस की तुलना में वापस वही स्थिति आएगी कि थोड़ा सा कम जाएगा वो, क्योंकि एक जीएसटी का रेट जो रेशो दिया है गवर्नमेंट ने वो बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 18% के आसपास होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, जो कि अभी 28% है। कमर्शियल पॉइंट से बात करें तो कुछ स्थितियाँ ऐसी डेवलप की है गवर्नमेंट ने कि व्यापारी सिर्फ इसी काम में उलझा हुआ अभी पेपर के अंदर ही। और एक टाइम ऐसा था जब हर महीने टैक्स तो जमा करना ही होता था लेकिन 3 महीने में रिटर्न जाता था, अभी ऐसा लगता है कि बस यही काम है व्यापारी के पास, दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है। लगभग 25 करोड़ का मार्केट है वैसे इलेक्ट्रॉनिक का, इंदौर के आसपास का, इंदौर की बात करें खास करके, वो लगभग अब 15 करोड़ के आसपास तक जाने की स्थिति है।